हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुराग, विरोधी पार्टियों को इस बात पर एतराज होता रहा कि इतनी हड़बड़ी क्या है, लेकिन आज जब उनकी उपलब्धियों की फहरिस्त देखते हैं तो लगता है कि वाकई कम से कम कागज पर सरकार की उपलब्धियां नजर आ रही हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल आखिर में सवालों के जवाब नहीं दिए, हंगामा शुरू हो गया और उठकर चले गए वहां से? देखिए, बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल तमाम सवालों के जवाब दे ही रहे थे और उन सवालों के दौरान भी ये पूछा गया था कि क्या बाटला हाउस के लिए भी इस तरीके का SIT प्रोब सरकार की तरफ से डिमांड किया जाएगा या किया जाएगा। और जब ये सवाल पूछे ही जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल जवाब दे रहे थे, तो मोहम्मद आसिफ जो ओखला से विधायक भी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे और अचानक उन्होंने यहाँ से नारेबाजी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठे वायदे करते हैं और बाटला हाउस में क्यों नहीं SIT की प्रोब की जाती है। तो एक तरीके से बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर भी SIT की मांग करते हुए मोहम्मद आसिफ ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा शुरू किया और उसके बाद पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खत्म हो गई। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों आ गया? यहाँ पर एक मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपनी रिपोर्ट दे रहे थे कि क्या क्या काम हुआ है, और जाहिर है लोगों को जानना था कि काम क्या है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, कांग्रेस जो कि एक तरफ से समर्थन की बात होती है और दूसरी तरफ से यहाँ पर जब मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और सिख दंगों को लेकर SIT प्रोब की बात कर रहे हैं, तो उसे बाटला की तरफ, यानी कि पूरी तरीके से अनुराग, जो आम चुनावों से पहले जिस हद तक राजनीति जा सकती है ऐसे मामलों में, उतनी जा रही है। देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से ये राजनीति है अपने तरीके की, जहां BJP एक लगातार प्रोटेस्ट कर रही है कानून मंत्री को हटाने के लिए। हर रोज प्रोटेस्ट किए जाते हैं और एक तरीके से माहौल ऐसा तैयार करने की कोशिश है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है या कोई काम नहीं कर रही है गवर्नमेंट इस तरीके से दिखाया जाए। वही कांग्रेस भी कर रही है, खुद समर्थन भी कर रहे हैं सरकार को, साथ ही लगातार ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है। और वही जब एक मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो शायद किसी MLA का इस तरीके से आकर हंगामा करना कोई आम दृश्य नहीं है। लेकिन मोहम्मद आसिफ आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाहर से ही नारेबाजी शुरू कर दी कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, वो एक तरीके से झूठ का रेडियो है, इस तरीके के स्लोगन उन्होंने बोले। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बाटला हाउस पर क्यों नहीं SIT प्रोब करते हैं, जब इन्होंने कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में बयान भी दिया था अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो उपलब्धियां अरविंद केजरीवाल अपने गिना रहे थे, वो कागजों पर लंबी फहरिस्त नजर आती है और उससे शायद BJP और कांग्रेस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है इस बात को लेकर के कि अगर ये फहरिस्त लोगों के बीच जाती है और अगर वो कागज पर भी काम गिनवाने में कामयाब हो पाते हैं कि एक महीने में इतना काम कर दिया है, तो निश्चित तौर पर जो लगातार जो कांग्रेस और बीजेपी जो एजेंडा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार हंगामा ज्यादा करती है, काम कम करती है, वो एजेंडा फेल होता हुआ दिखेगा। दरअसल उपलब्धियां एक तरफ है, दूसरी बात है उन दावों की हकीकत, और इसीलिए कई सवाल ऐसे जिस पर अरविंद केजरीवाल वहां पर घिर भी रहे थे, खासकर सोमनाथ भारती का जो मसला था। हालांकि जो हंगामा हुआ है वहां पर, वो बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच की मांग को लेकर हुआ है। कांग्रेस के MLA अनुराग बता रहे हैं कि वहां पर घुस आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर हो रही थी और वहां पर नारेबाजी की, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल वहां से उठकर चले गए। हालांकि क्या वहां पर आगे सवाल जवाब की गुंजाइश बन नहीं रही थी? अनुराग, वहां से उठकर क्यों गए? क्या वहां पर सुरक्षा बाहर भी किसी तरीके की नहीं थी? क्यों आने दिया गया मोहम्मद आसिफ को? देखिए, मोहम्मद आसिफ MLA हैं और सचिवालय में तो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उस लिहाज से अगर देखें तो मोहम्मद आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हॉल तक पहुंचे और जब तमाम लोग सवालों का जवाब सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल का, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे से ही नारेबाजी शुरू कर दी। तो उस लिहाज से देखें तो उनका यहाँ पर एक्सेस किसी सिक्योरिटी, क्या केजरीवाल ने उनको शांत करने की कोशिश की थी ताकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ा सके, या नारेबाजी सुनकर निकल गए? नारेबाजी जैसे ही मोहम्मद आसिफ ने शुरू की, उसके बाद तमाम जो पत्रकार थे वो उनकी तरफ मुड़े, आसिफ मोहम्मद की तरफ, और उसके बाद पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही यहां से डिस्टर्ब कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल उठ करके चल दिए। हम कुछ पत्रकारों ने कहा भी कि अब अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू की जा सकती है, आप सवालों के जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही खत्म कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल चले गए। लेकिन उपलब्धियां गिनाने से रोकने की कोशिश होती तो शायद उपलब्धियां गिनाने के दौरान आते, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब सवाल जवाब शुरू हुए थे तब आए थे। देखिए, बिल्कुल, तब तक अरविंद केजरीवाल अपना जो पूरा वो लिस्ट तैयार करके लाए थे अपनी उपलब्धियों की, वो पूरी बता चुके थे अरविंद केजरीवाल और पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे।
सोमनाथ भारती को लेकर के खासतौर पर बैकफुट पर नजर आ रहे थे और उन सवालों को टालने की कोशिश भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से हुई। DCW बरखा सिंह को लेकर के तीखे सवाल उनसे पूछे गए और ये सवाल भी पत्रकारों की तरफ से पूछा गया कि क्या बाटला हाउस पर भी आप इसी तरीके का विचार रखते हैं जैसा कि आपने 84 के दंगों को लेकर SIT बनाने की डिमांड की है। तो उसके जवाब में भी अरविंद ने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा था, बाटला हाउस पर इस तरीके का SIT प्रोब के लिए कभी हमने प्रॉमिस नहीं किया था और अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। उसके कुछ देर बाद ही मोहम्मद आसिफ यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत हद तक मुमकिन है कि सचिवालय में ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और जब बाटला हाउस पर सवाल पूछा गया तो उसी से एजिटेट होकर के वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, लेकिन उस सवाल के कुछ देर बाद ही वो यहाँ पर पहुंचे और लगातार नारेबाजी उसके बाद की और जिस तरीके का माहौल उसके बाद था, जैसे ही नारेबाजी शुरू हुई तो पूरे हॉल में पूरा हॉल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्टर्ब हो गई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल खुद भी अपनी जगह से खड़े हो गए। अगर वो चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू हो सकती थी, लेकिन उसके बाद शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू नहीं की अरविंद केजरीवाल ने और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से चले गए। बाटला हाउस को लेकर आधिकारिक जो उनकी राय है उस पर कायम है वो अनुराग, वो कहते हैं कि कानून के हिसाब से जो अदालती फैसला आ गया उस पर मैं कायम हूँ, या फिर गुंजाइश बनती है कि वो हो सकता है जांच की के बारे में आगे सोचें? देखिए नहीं श्वेता, ऐसा नहीं लगता है कि कोई प्रोब के बारे में या बाटला हाउस के बारे में दोबारा से सोचने के मूड में अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार है, क्योंकि साफ तौर पर केजरीवाल ने यहाँ पर जवाब दिया कि बाटला हाउस के बारे में एक कोर्ट का फैसला आ चुका है और उसके बारे में अब दूसरी राय रखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए साफ साफ यहाँ पर इंडिकेट किया गया कि इस तरीके का कोई विचार अभी सरकार में नहीं है कि कोई प्रोब उसके लिए बनाई जाएगी बाटला हाउस के लिए या उस पर दोबारा से विचार भी किया जाएगा बाटला हाउस केस के बारे में। लेकिन जब यहाँ पर हंगामा शुरू हुआ तो उसके बाद सवालों के लिए अरविंद का नहीं रुकना वो साफ तौर पर दिखाता है कि वो इस मामले पर बहुत ज्यादा बहस नहीं करना चाहते थे या बहुत ज्यादा सवालों के जवाब नहीं देना चाहते थे। इसके बाद पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म कर दिया गया।